आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूं शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मुस्तकबिल में एनसी किसी भी किस्म के गठबंधन में शामिल नहीं होगा। सहाफियों से बात करते हुए उनका मजीद कहना था, देखिए तारीख का ऐलान हो या न हो मगर इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमत हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेगी। ये खुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। आज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके हाथ। सर सवाल ये भी है, लोकसभा में इसमें हम लोग कोई गठबंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश की है कि वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्किद कराने का शेड्यूल शाया करे। इस मौके पर उनका मजीद कहना था, 370 के मामले में उस दिन से हम इन इलेक्शन की तैयारी में लगे रहे। बीच में लोकसभा के इलेक्शन आए, वो भी हमने निपटा लिए। अब असेंबली के इलेक्शन होने हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोजा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। मरकजी वजीर बराए सियाहत जीएस शेखावत का कहना है कि मरकजी सरकार ने इस बात को यकीनी बनाया है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जारी गैर मामूली सूरत हाल से मुल्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस हवाले से उनका यूँ कहना था, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पड़ोस में इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता आई है, एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से गिराया गया है। मैं मानता हूं कि निश्चित ही व्यक्ति जो है सब कुछ चुन सकता है, अपना पड़ोसी नहीं चुन सकता। इसलिए जो पड़ोस में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, भारत सरकार बहुत विजिलेंट है और उसको देख रही है कहीं किसी तरह का उसका दुष्प्रभाव भारत में न हो, उसके लिए हम जागरूक हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि भारत में सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, जिस तरह से भारत में आंतरिक शांति स्थापित हुई है, भारत में आतंकवाद लगभग समाप्ति के दौर पर है, भारत से नक्सलवाद सिमटते 4 जिलों तक रह गया है, और ऐसे में जो भारत में जिस तरह का वायुमंडल बना है, हम समर्थ हैं, सक्षम हैं और आने वाले समय में भारत के हितों का पे समझौता किए बिना भारत की प्रगति और जो है भारत की उन्नति के लिए कम। वहाँ सूबे जम्मू के उधमपुर इलाके में कल फोर्सेस और जंगजू के दरमियान एक मुसल्ला तसादुम का आगाज हुआ था। ताम डीआईजी रईस मोहम्मद बट का कहना है कि मुहासरे में 2 से 3 जंगजू फंसे हैं जिन्हें जल्द ही बेअसर किया जाएगा। ताम आखिरी इतला मिलने तक इलाके में झड़प जारी थी, प्राप्त हुई और उसके चलते हमने कल यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन लॉन्च किया। जॉइंट पार्टीज का ऑपरेशन था और उसके बाद इसमें कटा वाली साइड से भी जो पार्टीज हैं वो एक्टिवेट की गई, और क्योंकि ये रिज लाइन जो है कठुआ और उधमपुर के बॉर्डर पे पड़ती है, तो यहाँ पे हर तरफ से हमने जो है अपनी पार्टीज स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे तैनात कर दी है। और इसके अलावा जो ये जनरल एरिया खनेड़ का है, इसको हमने कॉर्डन में लिया हुआ है और यहाँ पर बीच में हमारे पास इस वक्त जो खबर है कि टेररिस्ट का एक ग्रुप जो है वो हमारे कॉर्डन के बीच में फंसा हुआ है, और मौसम और फॉग इसको देखते हुए प्लस टेरेन और जो डेंस कॉनिफरस फॉरेस्ट है उनको देखते हुए हमारा काफी डिलीवरेट सर्च ऑपरेशन हो जा रही है। उधर सूबे जम्मू में हुई मूसलाधार बारिशों के बाद खित्ते की सड़कें जेरआब हो चुकी है। जगह जगह पर नाकिस ड्रेनेज सिस्टम के बाइस पानी भर आया है जिससे मकीनों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इधर जिला अनंतनाग में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एचआर पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। ताम इस दौरान वो अपने देरीना मुतालबात को पूरा करने की मांग कर रहे थे। अभी का जो है चेंज ऑफ रेजिडेंस मुद्दा आया है यहाँ पे, ये सर हमारे लिए एक मसला बन गया है, क्योंकि हर किसी लड़की को शादी करनी है, ये तो पता नहीं है कि अपने ही गांव में शादी होगी या कहीं और।
अभी इस मसला ये है कि हमारी जो चेंज ऑफ रेजिडेंस का बोरे की चेंज ऑफ वार्ड होगी उसको डिसएंगेज कीजिए। डिसएंगेज ऐसे कैसे हो सकता है सर? अगर नई एचआर पॉलिसी जो 2022 में जो इन्होंने इनिशिएट किया था उसने बहुत अच्छा था, लेकिन नई रिक्रूटमेंट के लिए जो पुराने वाले, पुराने वालों को क्या है उसके साथ? तब तो कोई पॉलिसी नहीं थी, तब तो कोई वार्ड नहीं थी, तब तो कोई रेजिडेंस में नहीं था। हाँ, उस टाइम जो भी आधे वर्कर जर्नल में भी लगे हैं उस टाइम, जहाँ पे भी कहीं स्टाफ की कमी थी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकली है। लेकिन अभी के हमें ये बोल रहे हैं कि आपका जो वार्ड है वार्ड चेंज हो गया, डिसएंगेज हो जाओगे। सर, हम आपकी मसादत से ये बोलना चाहते हैं कि जैसे एचआर पॉलिसी नई इन्होंने लागू की है, आप सिर्फ अगर आप सर ये कीजिए कि जो नई लड़कियां हैं, जैसे अनमैरिड को ये प्रेफरेंस देते हैं, जो भी हाई क्वालिफाइड अनमैरिड है, जो वहाँ पे बहुएं हैं, डॉटर इन लॉज है, या तो आप पॉलिसी में जैसे रिक्रूटमेंट हो उनको लीजिए ना लड़की, तो फिर क्योंकि लड़की की शादी होगी कल, एक साल, दो साल, तीन साल बाद शादी उसको ये आउट ऑफ वार्ड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसएंगेज हो जाएगी। उधर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बडगाम में आज नेशनल हैंडलूम डे की मुनासिबत से एक तकरीब का अहतमाम किया गया था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लबरू ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर इदारे के तलबा ने हैंडलूम पर मबनी अशिया पेश की, जिनकी डीसी ने भरपूर तारीफ की, जबकि डायरेक्टर निफ्ट गौरव मिश्रा ने तलबा की काविशों की सराहना की। बढ़ेगा, बट हैंडलूम का प्रोडक्ट भी जितने ज्यादा लोगों के पास आएगा उतना ही उनको भी आदत लगेगी हैंडलूम को दोबारा खरीदने की। तो ये थॉट है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। हम आए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बड़गाम ओमपुरा कैंपस, और हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर निफ्ट हेड ऑफिस गौरव मिश्रा जी। आज हम इनसे ये आज यहाँ पे आए थे, इन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन अटेंड किया, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बड़गाम। तो आज हम इनसे बात करेंगे आज के इस फंक्शन के बारे में और जो बाकी प्लान्स है हैंडलूम सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा देने की। गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। सर, आज का जो इवेंट था, जो इसमें एक फैशन शो भी हुआ, एक रैंप वॉक भी किया, आपने भी इसमें किया, सो व्हाट्स द बेसिक एम ऑफ होल्डिंग सच इवेंट्स? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा 10वां हथकरघा दिवस है, 10th नेशनल हैंडलूम डे, और हमारे सारे निफ्ट के सारे 19 कैंपस इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और सारे कैंपसेज में अलग अलग तरीके की इवेंट करी जा रही हैं, जिसमें ये जो फैशन शो है ये हर एक का बहुत इंटीग्रल हिस्सा है। और हमारा इस फैशन शो से जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे देश के जो वीवर्स हैं, हैंडलूम वर्कर्स हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका भी वाइड आउटरीच नहीं है, वो जब हम इसमें फैशन शो में हमारे निफ्ट का जो कटिंग एज है कि सेम चीज़ को किस तरीके से बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, उसको हमने यहाँ निफ्ट श्रीनगर के बच्चों ने इस फैशन शो में बिना किसी पिन लगाए हुए, सिर्फ गांठों के माध्यम से जो यहाँ की कानी पश्मीना और जितने भी प्रसिद्ध यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उन सबको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। भारत सरकार भी इन सब चीज़ों में इतना अधिक बढ़ावा दे रही है कि हमारे हथकरघा कारीगरों की और बुनकरों की जो इनकम है वो बढ़े, उनकी प्रोडक्ट्स में अगर कुछ पुरानापन आ गया है तो उसको नया करे कुछ। यहाँ शहर श्रीनगर में वाका दशनामी अखाड़ा मंदिर में आज छड़ी मुबारक की खसूसी पूजा की गई, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। तहम छड़ी मुबारक को आखिरी दर्शन के लिए 9 अगस्त को अमरनाथ गार की ओर रवाना किया जाएगा। आज श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया का दिन है और ब्रह्मलीन महादेव गिरी दशनामी अखाड़ा बिल्डिंग में स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में पवित्र छड़ियों का, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, उनका यहाँ पूजन किया और उसके पश्चात उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। और अब मुख्य यात्रा तक छड़ी मुबारक या पवित्र शटिकाएँ ये यहीं पर रहेंगी और
आम जन साधारण तीर्थ यात्री यहाँ आकर इस मंदिर में आकर उनके दर्शन कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। जीके टीवी देखते रहिए।